के लिए जा रहे छात्र पर दबंगों की सिर चढ़कर दबंगई बोली तो पुलिस से शिकायत करने पहुंचा। आपको बता दें कि औरैया जिले के कोतवाली विधुना की चौकी रूरगंज क्षेत्र के ग्राम बराहार का यह पूरा मामला है। बता दें कि पीड़ित अंकुर शर्मा घर से विधुना कोचिंग के लिए आ रहा था, तभी साला श्रमदान पर रोक कर दबंगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद जब वह चौकी पुलिस से शिकायत करने पहुंचा तो दबंग भड़क गए और चौराहे पर मारपीट करने लगे। वही बाजार करने बाराहार के आए नीरज पुत्र सुगर सिंह जब बीच बचाव करने पहुंचे तो दबंगों ने उन पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों पीड़ित कोतवाली विधुना पहुंचे, जहां पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर कार्यवाही का भरोसा दिया है। सर्किल से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। नाम है आपका? अंकुर शर्मा। पिताजी का नाम? सुनाक्षी सत्यनारायण शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? बराहार रहता हूँ मैं। थाना कौन सा? विधुना थाना है। चौकी? चौकी गुरुगंज। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं रोज कोचिंग पर मैं जाता हूँ और मैंने बाबा साला पे ऐसी साइकिल खड़ी थी, मुझे रोहित नाम का कंडक्टर मिला, उसने मुझे थप्पड़ मारी और फिर बाद में मैं जब एप्लीकेशन देने गया चौकी पे गुरुगंज, तो वहाँ से एप्लीकेशन दे के निकल रहा था तो वहीं पे मतलब चौराहा पे मुझे कंडक्टर मिला, उसने दो चार लोगों को बुलाया और मुझे फिर पीटा। कहीं से मारपीट की? रूगंज में। इस वजह से कि यही था मतलब कि चौराहे पे मतलब मैंने उससे राम राम की थी। कितने लोगों ने दोबारा आपको रूगंज चौराहे पे पीटा? हाँ, चार लोग थे, नीसू भूरे और कुछ संजेश करके थे। कहीं से मारपीट की? बेल्ट थी और थप्पड़ों से डंडे से, जिससे मेरे सर में चोट आ गई और मेरा जो पर्दा दर्द कर रहा है अभी, कान का पर्दा दर्द कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, कुछ भी सुन पा रहा हूँ अभी मैं। आप यहाँ कोतवाली विधुना में आए हैं शिकायत करने? हाँ, मैं कोतवाली विधुना आया हूँ शिकायत दर्ज करने। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज सिंह। पिताजी का नाम? सुघर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? बराहार। बराहार। थाना कौन सा है? थाना विधुना। थाना विधुना, चौकी रूरूगंज। जी, चौकी रूरूगंज। क्या घटना हो गई आपके साथ? घटना, मैं और मेरे चाचा का लड़का, हम दोनों मार्केट आए हुए थे कुछ काम से, तो मैंने देखा कि मेरे गांव का, मेरे मतलब मोहल्ले का लड़का था, उसको तीन चार लोग मार रहे थे। जी। तो जब मैंने देखा तो हम लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंचे। जब हम लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो उसमें से कुछ लोगों ने हम लोगों पे ही हमला बोल दिया। जब हमला बोला तो उसमें से किसी ने बेल्ट मारी, किसी ने डंडे मारे, किसी ने पत्थर भी मारे हम लोगों को, भगाए हम लोग, क्योंकि तीन लोग थे वो, आठ दस लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें से किसी ने मेरे सर पे बेल्ट मारी तो मेरा सर भी फट गया। और ऐसे हम लोगों को उनके नाम तो नहीं, रूरूगंज चौराहे पे मारा। पुलिस थी वहाँ पे? पुलिस बाद में पहुंची, जब हम लोग मार खा के इधर चौकी की तरफ भागे हैं, जब पुलिस आई थी उधर से। घटना के बाद हमला पर कहाँ गए? घटना के बाद हमलावर अब मैंने नहीं देख पाया, क्योंकि हम लोग तीन लोग थे, डर गए थे और मार भी खा चुके थे काफी, इस वजह से हम लोग आगे नहीं गए। हम लोग इधर आ गए थे चौकी की तरफ, तो हमें नहीं पता वो किधर भाग गए। अभी आप कोतवाली विधुना आए हैं? जी, अभी हम पुलिस को तहरीर देने। जी, तहरीर दी? जी, तहरीर दे दी। कहाँ गए थे हमलावर? हमलावर कुछ बरके बुरवा गाँव है और कुछ रूरूगंज मार्केट के हैं, जो वहाँ पे कुछ परचून की दुकान कर रखे हैं, कुछ कपड़ों की दुकान कर रखे हैं, उनमें से हैं। अब उन लोगों के नाम नहीं जानता हूँ मैं, एक नीसू नाम है कोई और एक संजय है, एक रोहित है, एक बिल्ला है, और बाकी अज्ञात में 10-12 लोग थे, हम तीन चार लोग ही थे। सर्किल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।